मैनपुरी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा फहरा दिया। जी हाँ, डिंपल यादव इस सीट से चुनाव लड़ रही थी और एक बड़े अंतर से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस वक्त जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई। आजम का गढ़ ध्वस्त हो गया। आसिम रजा को बीजेपी के आकाश सक्सेना ने हरा दिया और रामपुर में बीजेपी का झंडा फहरा दिया। अब इस पूरे चुनाव के दौरान हार जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की। उन्होंने मैनपुरी में जो जीत मिली उसको लेकर अपनी खुशी जाहिर की, जबकि रामपुर में मिली हार पर अफसोस जताया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस दौरान नेताजी को भी याद किया और साथ ही साथ शिवपाल यादव की पार्टी के सपा में विलय होने पर भी बयान दिया और कहा, मुझे खुशी है इस बात की कि वो चुनाव से पहले हमारे साथ आ गए। न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए मैनपुरी की जीत पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये जीत यहाँ के लोगों की जीत है। मुलायम सिंह यादव को भी इस दौरान उन्होंने याद किया और कह दिया कि इस जीत से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। इसके बाद उनसे सवाल हुआ प्रसपा के सपा में विलय होने पर, जिस पर अखिलेश ने कहा, मुझे खुशी है इस बात की कि शिवपाल यादव हमारे साथ चुनाव से पहले आ गए, आज उनका दल भी साथ आ गया है। उनके साथ आने से अब पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। उम्मीद है 2024 के चुनाव में हम बेहतर परिणाम लाएंगे। इसके बाद उनसे सवाल हुआ कि रामपुर में आपको करारी हार मिली है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, बहुत अफसोस की बात है कि प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, ये चुनाव फेयर नहीं कराया गया। सपा अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, मैं तो चाहता हूँ रामपुर में एक बार फिर से चुनाव होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर अखिलेश यादव को हार मिली उस फैसले को, उस चुनाव को, उस वोटिंग को उन्होंने अनफेयर बता दिया, लेकिन जहां पर अखिलेश यादव जीते उसे उन्होंने जनता की जीत बताया, मुलायम सिंह यादव के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया। ये दोहरा रवैया अखिलेश यादव एक बार फिर से अपनाते हुए नजर आए हैं। वैसे आपको बताते चले, रामपुर में इस बार जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई। आसिम रजा, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, जिनके लिए आजम खान खुद जमीनी स्तर पर उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको बीजेपी के आकाश सक्सेना ने हरा दिया। बताया जा रहा है 34,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा दोनों के बीच और इसी के साथ आकाश सक्सेना इस सीट पर विजयी साबित हुए और यही वजह है कि बीजेपी जश्न मना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं में रामपुर सीट को लेकर थोड़ा सा दुख देखा जा रहा है। अब आप बताइए, अखिलेश यादव के बयान पर आप क्या राय रखते हैं?